अब महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार होंगी। इसके साथ ही संतानहीन बेटियों और पति से अलग रहने वाली महिला को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं के जीवन की कई दिक्कतें दूर होंगी। ये राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विवाहित महिलाएं अब पुरुषों के साथ भूमि और संपत्ति की सह खातेदार होंगी। उन्हें संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार देने के ऐतिहासिक फैसले पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके तहत उन्हें भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। उन्हें भूमि पर ऋण के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी होगा। हालांकि ये अधिकार पैतृक संपत्ति पर ही मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक पर मंजूरी दी गई है। इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। महिलाओं की सह खातेदारी को लेकर के ये मैं समझता हूँ कि इन 4 सालों का सबसे बड़ा रिफॉर्म, और ये रिफॉर्म केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश में जाएगा। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे ऐसा मेरा मानना है। और जो हम भागीदारी की बात करते हैं, विकास में सबकी समान भागीदारी की बात करते हैं, इससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो 50% शक्ति है कहना चाहिए, उस ताकत का इस्तेमाल राज्य के विकास में होगा और राज्य में आने वाले समय में इसके व्यापक परिणाम जो राज्य के चहुमुखी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भूमि और संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार रहने से आर्थिक विकास गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सरलता मिलेगी। सरकार के इस फैसले की महिलाओं ने सराहना की है। हालांकि अगर कोई विवाहित महिला अपने पति से तलाक लेकर दोबारा शादी करती है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है। औरतों के भी अब दिल में एक उम्मीद जागी है कि अब शायद हमें भी लोन मिलेगा, हम भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। और काफ़ी दिक्कतें आती थी जब हम लोन लेने जाते थे, हमारे परिवार से महिलाएं गई तो उन्हें कहा जाता था कि आपका है क्या, आपका कोई प्रॉपर्टी है, सवाल होते थे। तो हम लोग के पास ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स होते थे वो घर के मेल मेम्बर्स के होते थे। अब सुन के खुशी हुई है कि फीमेल मेम्बर्स को भी उतना ही अधिकार मिलेगा, क्योंकि और ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी चली आई है महिलाओं के अधिकार की। तो अब लग रहा है कि अब इंसाफ होगा महिलाओं के लिए। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी बाकी महिलाओं को भी जो अब एक नए स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं और नया बिजनेस जो भी वो करना चाहती हैं, अब उन्हें मालिकाना हक भी मिलेगा और नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको उम्मीद भी मिलेगी। सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि पहले हम कोई भी काम करते थे हमें लोन मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। अब कम से कम इससे हम लोन लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला ये। पहले दिक्कतें आती थी कि हम कैसे करेंगे कुछ भी, हम कहीं भी लोन लेने जाते थे तो सब बैंक सबको ही मना करते थे कि आपका मतलब ना आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ना कुछ है, तो हमें उससे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जो सरकार ने जो फैसला लिया है उसके वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा फ्यूचर भी अब बहुत ही उज्जवल रहेगा। राज्य सरकार का ये बेहद अहम फैसला है। ये महिलाओं के हक और सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। महिलाएं अब पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार होंगी। महिला का भी नाम राजस्व खाते में दर्ज होगा। ये फैसला कई स्थितियों में बदलाव लाएगा। ये माना जा सकता है कि देश के दूसरे राज्य भी इस कदम को अपना सकते हैं। देहरादून से ज्ञानेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट।